यहाँ पर हम देखते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो ये एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन है, 2019 का नोटिफिकेशन है ये। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो बताई गई हैं। उनके अनुसार स्टडी की प्रिपरेशन का प्लान है किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि फर्स्ट एग्जाम होगी 2 मार्च 2020 को और सेकंड एग्जाम होगी 22 जून 2020 को, यानी कि यहाँ पर 3 महीने का गैप है सेकंड और थर्ड एग्जाम के बीच में। तो यहाँ पर रिवीजन किया जा सकता है और यहाँ पर कंप्लीट तैयारी की जा सकती है। तो इसका जो पोस्टेज है, पोस्ट है यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे कि लेवल सेकंड की पोस्ट है, कुछ लेवल 8 की पोस्ट है जहाँ पर सैलरी है यहाँ पर 47,600 से स्टार्ट होकर 1,51,100 तक जाती है। ये है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ग्रुप बी रजिस्टर्ड ऑफिसर की पोस्ट है। दूसरी हम देखें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ग्रुप बी रजिस्टर्ड ऑफिसर पोस्ट है ये भी। यहाँ पर फिर लेवल 7 की पोस्ट देखें हम, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी की सेंट्रल सीक्रेट सर्विस की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर मिनिस्ट्री रेलवे के अंदर है, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। फिर यहाँ पर देखें सब रजिस्टर्ड ग्रुप बी की पोस्ट है, असिस्टेंट की है ये भी, असिस्टेंट की है ये, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है ये, ग्रुप सी की पोस्ट है। फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज की, ग्रुप डी की पोस्ट है। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, एग्जामिनर की पोस्ट है ग्रुप डी की। फिर यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। फिर हम देखें पे लेवल 6 है, यहाँ पर असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रुप बी की, एंड ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पर भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंट की है ग्रुप बी की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की है ग्रुप बी की पोस्ट। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ऑडिटर की पोस्ट है ग्रुप सी की है ये भी ऑडिटर की है, ये भी अकाउंट, ये अकाउंटेंट की है, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट। फिर हम देखें टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट ये ग्रुप सी की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी की पोस्ट है, अपर डिविजनल क्लर्क ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अच्छा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे डिसेबिलिटीज वालों के लिए है ये JSO की पोस्ट, ये इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की है, ये भी यहाँ पर डिसेबिलिटीज वालों के लिए है, JSO की पोस्ट है कुछ। अब यहाँ पर हम देखें कि आगे जो आगे हम देखें यहाँ पर जैसे कि कुछ कुछ पोस्ट है यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 के बीच में दे रखी है और कुछ 20 से 27 के बीच में है, यहाँ पर 32 एज भी है यहाँ पर अपर एज लिमिट। और यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल के अलग से मिलते हैं, OBC के लिए 5 साल मिलते हैं, PWD के लिए 10 साल मिलते हैं अलग से। उसके बाद में देखें हम ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ये तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए था, ग्रुप बी पोस्ट सी पोस्ट के लिए 40 साल तक एलिजिबल हैं आप, 45 साल तक, 40 साल तक, 35 साल तक हैं। फिर हम देखें आगे नेक्स्ट है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है आपकी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ये बैचलर डिग्री है। अकाउंटेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग डिग्री चाहिए। उसके बाद में जूनियर स्टेट लॉ ऑफिसर यानी JSO के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, और 60% मार्क है मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम देखें या फिर बैचलर डिग्री में कोई भी सब्जेक्ट से हो लेकिन स्टेटिक्स एक सब्जेक्ट वहां पर जरूर होने चाहिए स्टेटिक्स ऑफिसर के लिए।
फिर यहाँ पर ऑल अदर पोस्ट है बैचलर डिग्री है, कितने भी जितने भी पोस्ट है सब में बैचलर डिग्री यहाँ पर अलाउड है, इनकी बीई बीटेक बीएससी जो भी है आप बैचलर डिग्री वाले भर सकते हैं। फीस हम देखें 100 रुपीज है फीस, और वुमेन और एस सी एस टी के लिए कोई फीस नहीं है। पर उसके बाद हम देखें आगे एग्जाम के सेंटर हैं, यहाँ पर सेंटर हम देख सकते हैं नॉर्थ रीजन में कहाँ पर है, साउथ रीजन में कहाँ पर है। उसके बाद हम आगे देखें एग्जाम की जो स्कीम है, एग्जाम में 3 एग्जाम होंगे यहाँ पर एसएससी के अंदर, कौन कौन सी, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और टायर थर्ड। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और टायर थर्ड है यानी तीसरी जो एग्जाम है पेन एंड पेपर पर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, और पेपर फोर है टायर फोर, ये कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है यानी कि टाइपिंग वगैरह आपकी इसमें होगी, जिस भी वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हैं यानी जिस वैकेंसी के लिए टाइपिंग जरूरी है उसी वैकेंसी के लिए यहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट होगा, बाकी ये 3 पेपर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि है यहाँ पर जो टेस्ट है दोनों के स्कोर है यहाँ पर वो काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट में। उसके बाद में हम देखें जैसे जो स्कीम है पेपर की, जैसे पेपर जो फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट के अंदर 200 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के होंगे। उसके बाद में एप्टीट्यूड आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का होगा, और उसके बाद में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर का होगा, और ओनली यहाँ पर टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने करने होंगे, 100 क्वेश्चन करने होंगे, 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए लगभग लगभग 35 सेकंड दी जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। 35 सेकंड भी यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड मान सकते हैं हम, एक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड, तो 60 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड में अगर 40 का भाग दे तो उसके अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं कि 40-45 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन के लिए होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, पेपर का लेवल उसी के अकॉर्डिंग रहेगा ताकि 1 मिनट में उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। उसके बाद में पेपर सेकंड होगा, पेपर सेकंड के अंदर पेपर फर्स्ट होगा ये मैथ का होगा एक तरीके से, और पेपर सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और जो मैथ का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पर भी ये पेपर 200, ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के यानी 400 मार्क्स का ये पेपर होगा सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर यहाँ पर हो गया 200 मार्क्स का यानी टोटल 600 मार्क्स हो गया यहाँ पर। फिर स्टेटिक्स वालों का होगा 100 200 पेपर नंबर का पेपर, अगर स्टेटिक्स आपने भरा है तो, या फिर जनरल स्टडीज फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वालों का होगा अगर वो सब्जेक्ट लिए है इस वाली पोस्ट को आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर ये पेपर होगा, तो ये पेपर अलग से होगा अगर ये सब्जेक्ट वरी है तो। यहाँ पर टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 120 मिनट, यानी कि 60 मिनट इंग्लिश पेपर के लिए और 60 मिनट यहाँ पर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के लिए। तो यहाँ पर भी टायर फर्स्ट और टायर सेकंड है दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में होगा, यानी वो इंग्लिश में होगा जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो इंग्लिश में होगा, जो पैसेज होगा इंग्लिश में होगा।
यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है टायर फर्स्ट में वो 0.5 है, यानी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हाई है, और टायर सेकंड में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है, यानी कि फर्स्ट पेपर में 1/2 है नेगेटिव मार्किंग, यानी बहुत ज्यादा है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में 1/4 है, यानी नेगेटिव मार्किंग सेकंड पेपर में कम है। किसके लिए? पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, जबकि पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में, यानी कि मैथ के पेपर में और जो स्टेटिक्स या फिर यहाँ पर पेपर जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होगा, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है, यानी 1/2 है, यानी जहां पर 200 क्वेश्चन आएंगे वहां पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4, और जहां पर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर नेगेटिव मार्किंग है 1/2। उसके बाद में टायर सेकंड होने के बाद में टायर फोर है उन्हीं टायर सेकंड होने के बाद में टायर फोर है उन्हीं कैंडिडेट के लिए अप्लाई होगा जो टायर फर्स्ट और टायर फर्स्ट के अंदर क्वालिफाई होंगे। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए ही अप्लाई होगा। उसके बाद में पेन एंड पेपर से होता है टायर थर्ड, यानी तीसरा पेपर होगा। पेन एंड पेपर में आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। इसमें आपको निबंध दिया जा सकता है, लेटर दिया जा सकता है, एप्लीकेशन लिखने के लिए दी जा सकती है। तो ये 60 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके बाद में हम देखें कि यहाँ पर पेपर थर्ड है उसमें हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, और अगर आपने पार्ट पेपर में अगर हिंदी और पार्ट में इंग्लिश में लिखा गया है तो वो 0 नंबर दिए जाएंगे, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, यानी आपने पेपर भरते समय हिंदी में लिखा है कि आपको हिंदी में देना है पेपर थर्ड और आप इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में हम देखें यहां पर कोई भी स्टूडेंट को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पेपर में नहीं लिखनी है। टायर फोर है स्किल टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये टायर फोर होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सिलेबस हम देखते हैं इसका, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का हम सिलेबस देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगी, और कंपोनेंट है यहाँ पर जैसे एनालॉगीज कुछ के क्वेश्चन हो गए, सिमिलरिटीज के क्वेश्चन हो गए, डिफरेंसेज के क्वेश्चन हो गए, डिफरेंसेज स्पेस विजुलाइजेशन के क्वेश्चन हो गए, एंड स्पेशली ओरिएंटेशन के क्वेश्चन हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हो गए, एनालिसिस जजमेंट डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हो गए, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड स्लो लिंग्विस्टिक की रीजनिंग होगी, एंड सेमेटिक एनालॉगी होगी, सेम्बलिक एंड नंबर ऑफ एनालॉगी होगी, फिगर्स एनालॉगी होगी एंड सीमेटिक क्लासिफिकेशन, सिम्बोलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, सेमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुलाइजेशन, बेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंचेज, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीटिंग इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड, नंबर स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड अदर सब टॉपिक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी में उसे जनरल अवेयरनेस का क्या उपयोग है। क्वेश्चन आल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट्स, सिचुएशंस
सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन यानी करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक्सपीरियंस इन दी साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड इन एनी एजुकेटेड पर्सन, यानी कोई भी जो एजुकेटेड पर्सन होता है उससे जो एजुकेटेड मतलब कि जिस जो उस बंदे से एक्सपेक्ट किया जाता है उस तरीके के क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे. द टेस्ट इज ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया, इसके अंदर हमारे आसपास की कंट्री हो सकती है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, कल्चर के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो गए, एंड जनरल पॉलिसीज और साइंटिफिक रिसर्च से क्वेश्चन हो सकते हैं. फिर हम देखते हैं एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में क्या होगा, मैथ के अंदर क्या आएगा यहाँ पर. एप्टीट्यूड के अंदर नंबर, नंबर्स का सेंस आ सकता है, एंड कंप्यूटेशन होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, एवरेज, एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटी, स्कूल एलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्कल्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स रेडियल काइंड ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्किल एंड इट्स चॉर्ड, टेंजेंट्स एंगल एंड सबटेंडेड बाय चॉर्ड्स ऑफ द सर्किल, कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रेचर, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म में, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पीयर, हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर एंड पैरेलेप्टिड, रेक्टेंगुलर, रेगुलर राइट पिरामिड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर बेस, ट्रायंगुलर रेशियो, डिग्री एंड रेडियन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, एंड हेट्रोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं. इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव का सिलेबस क्या होगा, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज आर बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड. उसके बाद में यहाँ पर इसे ए पार्ट ए बी डी है, वो लेवल कंपनसेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन. एंड क्वेश्चन पार्ट सी में जो आएगा वो आएगा 10th स्टैंडर्ड का, और पार्ट ए बी डी है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, पार्ट सी वाला है. बाकी पार्ट डी में यहाँ पर पार्ट सी में स्टैंडर्ड जो 10th के स्टैंडर्ड होगा वही यहाँ पर आएगा. उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर ये पैटर्न हो जाता है, फिर पेपर सेकंड के बारे में देखते हैं. पेपर सेकंड में क्या है, इसमें भी यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, नंबर, नंबर सेंस ऑफ कैंडिडेट, वही सेम सिलेबस है यहाँ पर, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्ट्स, ग्राफ, लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, सर्किल एंड इट्स चॉर्ड्स, टेंजेंट्स एंगल, सबटेंडेड बाय चॉर्ड्स एंड सर्किल, कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्किल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रेचर, रेक्टेंगुलर पॉलीगन, सर्किल एंड राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलेप्टिड, रेक्टेंगुलर, रेगुलर राइट पिरामिड विद द ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रायंगुलर रेशियो, डिग्री एंड रेडियन, मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, हेट्रोगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बाय डायग्राम एंड पाई चार्ट. पेपर सेकंड में हम देखें कि ये इंग्लिश का जो पेपर है नॉर्मल इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी बेस्ड ऑन स्पॉट द एरर एंड फिल इन ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड आ सकता है, आइटम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कन्वर्जन और इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आ सकता है. पेपर थर्ड स्टेटिक्स का वालों के लिए होगा, ये जो स्टेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं या स्टेटिक्स वाले अलग से डिफरेंट सिलेबस है, सैम्पलिंग थ्योरी वगैरह, स्टेटिक इन्फ्लुएंस एनालिसिस ऑफ वेरियंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर. पेपर फोर है, ये भी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वालों के लिए है. पार्ट ए में यहाँ पर फाइनेंस अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आ गया, पार्ट बी में इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस आ गया,
finance commission role and function, basic concept of economics, introduction of microeconomics, theory of production and cost, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद में स्किल टेस्ट है, जैसे कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, टैक्स असिस्टेंट के लिए होगा, सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, वो 8000 की डिप्रेशन पर हावर, एक घंटे में 8000 की आपको दबानी है, 8000 की। और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है पैसेज के लिए 2000 की है, 15 मिनट में दबानी है। यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा 2000 की, यहाँ पर 15 मिनट में दबानी होगी आपको, ये स्पीड चाहिए होगी यहाँ पर। ये टेस्ट है, यहाँ पर क्वालिफाइंग है और इसमें आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है। यहाँ पर इसके नंबर यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। कैंडिडेट फॉर पैसेज, दिस टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर एंड कंप्यूटर फॉर द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एट द सेंटर, यानी कंप्यूटर उनके द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट हम देखें स्किल टेस्ट है, जो कमीशन ने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट होगा। फिर है कंप्यूटर प्रोफ्रेंसी टेस्ट, इसमें कमीशन है। कंप्यूटर प्रोफ्रेंसी टेस्ट में क्या है, 3 मॉड्यूल होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट इन सीरीज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और यहाँ पर असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री एंड माइंस इंस्पेक्टर एक्सरसाइज इंस्पेक्टर एग्जामिनर में यहाँ पर को पोस्ट होंगे। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शनल यहाँ पर अलाउ नहीं होगा सर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी। और ये भी यहाँ पर क्वालिफाई है, क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। उसके बाद में हम देखें ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, सिलेबस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिखाया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए, इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए, अपर डिविजनल क्लर्क बीआरओ के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा कुछ, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में हम देखें सिलेक्शन का मोड क्या है, मिनिमम यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है टायर फर्स्ट में, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर के लिए 20% कम से कम मार्क्स लाना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर टायर फर्स्ट के भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में कैटेगरी वाइज यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो टायर सेकंड में और टायर थर्ड में अपियर होंगे, और टायर यहाँ पर सेपरेट कट ऑफ है निकाली जाएगी पेपर थर्ड के लिए और पेपर सेकंड के लिए। जेएसओ और जो स्टेटिक इन्वेस्टिगेटर ग्रेड वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर कट ऑफ निकाली जाएगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट पेपर उनके लिए सेकंड और थर्ड पेपर कंपलसरी होगा, और सेकंड पेपर में सभी कैंडिडेट को अपियर होना जरूरी है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल कैंडिडेट हैं उनको ही पेपर थर्ड में जो स्टेटिक्स वाला पेपर है उसमें जिन्होंने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो उन्हीं को वहां पर अप्लाई करना है, यानी उन्हीं को वो पेपर देना है। उसके बाद में एग्रीगेट परफॉर्मेंस निकाली जाएगी टायर फर्स्ट और टायर सेकंड एग्जामिनेशन की, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति हैं यहाँ पर या जो स्टूडेंट हैं शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टायर थर्ड एग्जाम के लिए। और अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाई नहीं करता है सेकंड एग्जाम तो उसको टायर थर्ड के लिए इवोल्यूएट नहीं किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा उसके बाद में। तो यहाँ पर टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों का एग्रीगेट परफॉर्मेंस देखा जाएगा।
उसके बाद में व्यक्ति टायर टायर थर्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट कोई दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो वो आपको देना होगा। ये मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाई है नेचर में, इसके नंबर वगैरह नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको। अगर आप अपियर नहीं होते हैं स्किल टेस्ट में तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस है पोस्ट की, प्रेफरेंस है पोस्ट की, कैंडिडेट से डीवी से पहले ले ली जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और फिर हम देखें यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रिपेयर की जाएगी प्रत्येक कैटेगरी के लिए। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेफरेंस का पोस्ट देखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। और ये SC ST OBC EWS EASM PWDG के जो कैंडिडेट हैं अपनी खुद की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। और ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर SC ST के जनरल की सीट को फाइट करते हैं और अनरिजर्व सीट को फाइट करते हैं ओवरऑल मेरिट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर वो उनके लिए एडवांटेज है। रिजर्व वैकेंसी है यहाँ पर सेपरेटली, ओनली SC ST OBC इनके लिए जो रिजर्व है उन्हीं में यहाँ पर फुलफिल की जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें जैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं तो क्या होगा, ये मेल प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो 2 साल के लिए आपको बंद कर दिया जाएगा, 3 साल के लिए आपको बंद कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ इलीगल काम यहाँ पर करते हैं या पकड़े जाते हैं किसी भी तरीके से कुछ उल्टा सुलटा करते हुए, तो आपको 2 साल, 7 साल, 5 साल की जेल हो सकती है, बंद किया जा सकता है, कुछ भी आपके साथ एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। हाँ ये है, मौत की सजा नहीं दी जाएगी, बाकी एक्शन कुछ भी लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। इनके बाद में इस सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके का फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट है, इसको आपको बनवाना है अगर आप PWD वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर SC ST के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का टाइम दे रखा है, यानी कि एक टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में जो भी SSC की पोस्ट आती है उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो SSC CGL के बारे में यहाँ पर बताई गई है। ये SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। इंग्लिश वाला फॉर्मेट है, हिंदी वाला फॉर्मेट है, 90/50, 90/50, 95/95/1 इस तरीके का जो फॉर्मेट है वो SC ST के सर्टिफिकेट का होना चाहिए। ये इनके द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए, जैसे कि रिवेन्यू ऑफिसर हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर हो गया एरिया का, या कलेक्टर हो गया, DM हो गया। ये यहाँ पर सर्टिफिकेट है बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC के लिए है, उनके लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट है, इस तरीके का उनका सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है दिया गया है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है जो इकोनॉमी EWS वाले हैं उनके लिए, तो ये कौन से ईयर तक वैलिड है, कौन से ईयर के लिए वैलिड है, वो यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए अगर आप EWS में आते हैं तो। उसके बाद में ये डिसेबिलिटीज वालों के लिए सर्टिफिकेट है, यानी इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिसेबिलिटीज वाले हैं यानी PWD वाले हैं, तो उस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप देख ले एक बार, उसी के अकॉर्डिंग है सर्टिफिकेट को अपलोड करें। ये भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है
जैसे पोस्टों के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी दिखा रखी है उसी के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट है। यहाँ पर जैसे सर्टिफिकेट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में दिखा रखा है कि कुछ भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकती है, डिप्लोमा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीएड, एलएलबी, बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, ग्रेजुएट हो सकते हैं कोई से भी, आप पीजी डिप्लोमा हो सकता है, एमकॉम, एमएससी, एमएड, एलएम, एमई, एमटेक, एमएससी, एमसीए, एमबीए, अदर कुछ भी हो सकता है आपके पास में। फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट आपकी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर से ऊपर, चेस्ट आपका 81 होना चाहिए, फुल मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ 15 मिनट में, साइकिलिंग हो सकती है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में। 1600 मीटर की दौड़ है यहाँ पर 15 मिनट के अंदर। फिजिकल स्टैंडर्ड में फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, वेट होना चाहिए 48 kg, यहाँ पर मेल के लिए वेट नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पर 1 किलोमीटर 20 मिनट में घूमना है महिलाओं के लिए, और साइकिलिंग है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो ये स्टैंडर्ड दे रखा सब इंस्पेक्टर के लिए, स्टैंडर्ड दे रखा फिजिकल मैन के लिए 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का है ये। चेस्ट के लिए 75 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए कोई भी एक्सपेंशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, और 76 एक्सपेंशन यहाँ पर चेस्ट का होना चाहिए मेल के लिए। विजन यहाँ पर डिस्टेंस विजन है 6x6 और 6x9 है दूसरा आँख का टाइप। और फिर हम देखें सब इंस्पेक्टर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, NIA के लिए, मैन 170 सेंटीमीटर, वुमेन 150 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पर 76 सेंटीमीटर मांगा है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम देखें ग्रुप सी पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो क्या है, 1 मील का रनिंग होगी यहाँ पर 10 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट के अंदर 1 मील रन आपको करना ही करना है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, अलग अलग बोर्ड का भी अलग से यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना सेंटीमीटर, कितना उसका वेट होना चाहिए, 50 kg के आसपास, 47 kg के आसपास। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर SSC CGL के बारे में बताई गई है।